हेलो हम डिस्कस कर रहे हैं होमोजीनस मिक्सचर्स के एग्जांपल ना हमने डिस्कस किया था कि होमो का मतलब है सेम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर सेम फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मिक्सचर किसी मिक्सचर में अगर हर तरफ उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर में लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती हैं बहुत यूनिफॉर्मिटी होती हैं और उसमें ज़्यादातर पार्टिकल साइजेस वेरी स्मॉल यूजुअली पार्टिकल साइज़ जो होता है वो वन नैनोमीटर से भी छोटा होता है इट इज स्मॉलर देन वन नैनोमीटर सो दिस इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉटेंट पॉइंट्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर अलग अलग तरह के हैं आपने सबसे कॉमन सुना होगा सॉलिड इंटू लिक्विड सॉलिड एन इंटू लिक्विड मतलब किसी लिक्विड सॉलवेंट में कुछ सॉलिड पार्टिकल ऐड कर देना जैसे कि पानी में नमक ऐड करना या पानी में चीनी ऐड कर देना तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉलवेंट दिस इज वन मोस्ट कॉमन मिक्सचर दैट यू मस्ट है हर्ड ऑफ ये होमोजीनस मिक्सचर होता है दूसरा कॉमन मिक्सचर जो आपने सुना होगा वो होगा गैस इंटू लिक्विड जैसे कि थम्सअप uh, थम्सअप में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुगर वाटर में मिक्स कर देते हैं शुगर वाटर में मिक्स कर देते हैं सो गैस इज डिजोल्व इन शुगर वाटर दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ए मिक्सचर गैस इन गैस भी काफ़ी कॉमन है यानी कि एयर जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिक्सड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सड होता है तो ऑल ऑफ द गैसेज दे आर मिक्स टूगैदर सो गैस इन गैस इज अ कॉमन एग्जाम्पल एयर गैस इन लिक्विड इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक जो आपने नहीं सुना होगा वो ये है गैस इनटू सॉलिड यानी सॉलिड पार्टिकल में गैस को कैसे डिजोल्व करते हैं इसका कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोजन इन प्लैटिनम प्लैटिनम एक मेटल होता है उसमें हम कभी कभी हाइड्रोजन को मिक्स कर देते हैं और ये आ, ये ये सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है यानी कि केमिकल रिएक्शंस को अप करने में मदद करता है चलिए अब डिस्कस करते हैं लिक्विड सोल्यूट्स को लेकर लिक्विड इंटू गैस यानी कि uh, किसी गैस के अंदर लिक्विड हो तो इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि हवा में हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर इन एयर दैट इज़ और योर फॉग या मिस्ट ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जब धुंध uh, आ जाती है दैट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ लिक्विड इनटू गैस की हमारी एयर में लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है लिक्विड इनटू लिक्विड बहुत कॉमन है अल्कोहल में वाटर मिक्स कर देते हैं आप ऑरेंज जूस में पानी मिक्स कर देते हैं दैट इज़ अल्कोहल इन वाटर लिक्विड इनटू सॉलिड आपने नहीं सुना होगा जैसे कि मरकरी को सिल्वर में मिक्स कर देते हैं सो दैट इज़ लिक्विड इनटू सॉलिड हम जानते हैं कि मरकरी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और जब इसे सिल्वर के साथ मिक्स करते हैं दैट इज़ लिक्विड इनटू सॉलिड ओके सॉलिड इनटू गैस भी आपने कम सुना होगा यानी कि सॉलिड पार्टिकल को गैस में मिक्स कर देना इसका कॉमन एग्जाम्पल है मॉथ बॉल्स इन एयर अपने घर में नैप्थलिन बॉल देखी होंगी नैपथिलीन बॉल्स सो नैप्थलिन इज अ सॉलिड पार्टिकल ये 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 नैपथिल पार्टिकल्स एकदम से एवेपोरेट होकर सॉ ए हवा में चली जाती हैं तो इसके सॉलिड पार्टिकल एयर में चले जाते हैं सो दिस बिकम्स अ सॉलिड इनटू गैस एग्जांपल सॉलिड इनटू लिक्विड ये बहुत कॉमन है सॉल्ट इनटू वाटर या शुगर इनटू वाटर सॉलिड into सॉलिड आपने बहुत कम सुना होगा दिस इज जब हम दो मेटल्स को पिघला कर मिक्स करते हैं और फिर उसको हार्ड होने देते हैं जैसे कि सिल्वर इंटू गोल्ड इसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे अलाइज वी टॉक अबाउट इट इन मोमेंट तो सबसे डिफिकल्ट जो आपने नहीं सुने हैं वो है गैस इंटू सॉलिड हाइड्रोजन एन प्लाटिनम इनको याद रखिए बाकी आपके लिए आसान होगा दूसरा आपने नहीं सुना होगा लिक्विड इंटू सॉलिड मरकरी सिल्वर के साथ मिक्स करना और फाइनली सॉलिड इंटू सॉलिड यानी कि सिल्वर इंटू गोल्ड एलॉयज़ बनाना या सॉलिड इंटू गैस मॉथ वॉल इंटू एयर तो ये दो तीन आपने थोड़े से अनकॉमन सोल्यूशन सुने होंगे बट अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन आर वेरी कॉमन राइट अब सोल्यूशन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल क्या हैं जैसे सॉलिड इंटू सॉलिड यानी कि दो सॉलिड को इस तरह से मिक्स करना कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए इसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एलॉयज़ एलॉयज़ में एक कॉमन एग्जाम्पल है ब्रास ब्रास uh, जैसे कि जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है इफ़ यू लुक एट एलॉयज़ तो एलॉयज़ आपके इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हम दो uh, दो पार्टिकल्स को हम मिक्स कर देते हैं और दो पार्टिकल को पिघला कर उन्हें मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास एलॉयज़ बनते हैं विल टॉक अबाउट इट आफ्टर सम टाइम अनदर वन इज सॉलिड इंटू लिक्विड दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे जो पहला लेटर है दिस विल डिनोट द सोल्यूट जो कम मात्रा में डाला जाता है और जो दूसरा पार्टिकल है दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है तो द अदर वन इज़ सॉलिड इंटू लिक्विड तो इसमें शुगर कम मात्रा में डाला गया है और पानी हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में है तीसरा हमारा लिक्विड इंटू लिक्विड यानी कि पानी और अल्कोहल को मिक्स करना या पानी और फ्रूट जूस को मिक्स करना वेरी कॉमन गैस इंटू लिक्विड यानी लिक्विड में बहुत बहुत सारे लिक्विड में थोड़ा सा गैस मिक्स करना तो कार्बन डाइऑक्साइड इंटू वाटर यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जैसे थम्स अप या या कोको कोला या पेप्सी गैस इंटू गैस इज द एयर दैट वी ब्रीथ जो हम हवा सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिक्सड होता है एंड फाइनली गैस इंटू सॉलिड कभी कभी आइस पार्टिकल में अपने हवा ट्रैप की देखी होगी सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इंटू सॉलिड तो आज के लिए इतना ही करते हैं हवन नाइस डे